हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे आर्ट मटेरियल जो कि मैंने ड्राइंग करने के लिए बाय किए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो कुछ इस टाइप का है गाइस बॉक्स, तो चलिए इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दी है एक छोटी सी स्केच बुक जिसे हम प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, लाइन प्रैक्टिस जैसे हो गया, लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन इस पर, या हम शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी है ये, मुझे बहुत पसंद आई। ये फोम दिया, इसे हटा देते अपन। यहाँ पे ग्रेफाइट्स की 14 पेंसिल दिए गए, कुछ बी की है और कुछ एजेस की है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेड्स की है, 8B तक है। तो 8B तक काफ़ी अच्छी डार्क शेडिंग हमको मिली है। और यहाँ पे दी है ये ग्राफाइट की सॉफ्ट 6B की पेंसिल जो कि काफ़ी डार्क है, और हम इसे डार्क एरिया में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने को चारकोल पेंसिल दिए 3, सॉफ्ट है, मीडियम है और हार्ड है। तो काफ़ी अच्छी है ये 3 पेंसिल्स भी। और यहाँ पे अपने को एक कटर दिया है जो कि अपन पेंसिल को शार्प करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है कटर। और ये है पेंसिल एक्सटेंडर, अपनी पेंसिल अगर छोटी हो गई तो अपन यहाँ पेंसिल को एडजस्ट करके काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे दिए है 3 पेपर स्टम्प, छोटा एक छोटा है और एक मीडियम है और एक बड़ा है, जो कि अपन डिफरेंट डिफरेंट एरिया में शेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है HB का ये इरेजर, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे दिया है एक नीडेबल इरेजर, ये भी बहुत अच्छा है। इस नीडेबल इरेजर को हम किसी भी शेप में कन्वर्ट करके और छोटे छोटे एरियाज को इरेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इसे इरेज हो जाता है। और यहाँ दी है ग्रेफाइट की स्टिक्स जो कि हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, इसे अपन शेड के लिए यूज़ कर सकते हैं लार्ज एरिया में। और यहाँ पे दिए है ये चारकोल की लीड दी है, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, इसे भी हम लार्ज एरिया में शेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये दिए है हमारे पास में शाइन पेपर जिसे हम बोल सकते हैं, ये पेपर स्टम्प को क्लीन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। और यहाँ पे दिए है ये शार्पनर दिया है बड़े पेंसिल के लिए, छोटे पेंसिल के लिए। और यहाँ पे दिया है ये छोटा सा शार्पनर, ये भी बहुत अच्छा है। तो कुछ इतना है गाइस इस बॉक्स में। मैंने पेंसिल्स का यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छी है। तो कुछ इतना ही था इस बॉक्स में गाइस। और एक इस बॉक्स की गाइस मेरे को पैकिंग बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग है, इसे हम इजीली कहीं भी ले कैरी कर सकते हैं। तो कुछ इतना ही था गाइस इस बॉक्स में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बॉक्स। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसकी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर आपने है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।